सत श्री अकाल जी, मैं हरनेक सिंह सरपंच पिंड ओजा। हाँ, एक ना एक दो दिन तो वीडियो आ रही है, उन्होंने असी देख रहे हैं। एक जिहड़ा फाजिलका दे विच इस टाइम आम आदमी पार्टी दे नरेंद्र सवणा जी, जो उहदे अपोजिशन दे विच तीन होर कैंडीडेट ने, जिवें अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस ने, उन्होंने जोड़ा है इस टाइम पूरी जनता ने, फाजिलका की जनता ने, पूरे समुचे फाजिलका ने मूड बना लिया, अपना मन बना लिया है कि बदलाव लैके आईए और फाजिलका का अपना ही बेटा इतों जिताइए, ना कि बाहरी कोई आके इतने राज करे। सो सारे थोड़े फाजिलका वासियों की, सारे जुझारू वर्कर की बदौलत अज फाजिलका एक लहर चली, आम आदमी पार्टी की लहर चली हुई है। इस लहर के जो कि विरोधी धिर ने वह चित होंगे नज़र आ रहे हैं और अपनी बुखलाहट और झूठे झूठे जोड़े इल्जाम ला रहे हैं। मैं गल करदा सुरजीत कुमार जैनी की, वह इको ही गल कर रहा फाजिलका दे विच, मैं फाजिलका नूं जिला बनाया, मैं फाजिलका का विकास कराया। जे फाजिलका की जनता ने उस वक्त इनू पावर दिती सी तां इहने विकास जिन्ना कुछ सीगा इहने कराया। और जे गल करिए जिले की, तो जिले के सारे पिंडां दे और शहर वासी हरेक का जिहड़ा योगदान है, हरेक ने इत्थे धरने दे विच साथ दिता और धरने ते बैठे। पर इहदे विच जिहड़े इह मरन वरत दीआं गल्लां करन वाले रात नूं इह गैप भी हो जांदे हुंदे सी धरने दे विचों, दो चार चार घंटे। बाकी जिहड़ा इक इहने सुरजीत जैनी ने आपदा इक पीए रख्या होया ढाई कु फुटा अरकेश सहगल, ये वो नलके वांगू है भी, जिवें नलका ढाई कु फुट उपर है तो पता नहीं 60-65 फुट थले हुंदा है, यदा वो हिसाब है। ये सारी राजनीति जिहड़ी हैगी है, राजनीति दी गंदी खेड ये अरकेश सहगल चलदा है। जिवें पिछले टाइम दे विच इन्हां दे विच राकेश तोड़िया जी प्रधान सी म्यूनसिपल कमेटी दे, उहदा कोरम तोड़न वास्ते भी इस बंदे ने षड्यंत्र रचिया और हर एम सी नूं कैनेडा तो बैठा, मैं बाहर दी कंट्री चो बैठा सुरजीत जैनी फोन कर करके कोरम तोड़न दीआं गल्लां कर रहा सी। अज ये गल करदे ने फाजिलका विकास की, फाजिलका दे विच की देण है इहदी, पंज साल सेंटर दे विच सरकार है, जैनी ने की किया फाजिलका वास्ते, पंज सालां दे विच की नवा कुछ इहने कर दिता है। जे कैंसर हॉस्पिटल की गल करता है, कैंसर हॉस्पिटल भी स्टे ने कराया, सुरजीत जैनी ने कराया, अज बन के पहला यह तैयार होया हुंदा। और तू फाजिलका दे विचों कैंसर नाल पीड़ित 500 मरीजां दीआं जानां जा चुकियां ने, उन्हां जानां दा भी जिम्मेवार यह सुरजीत कुमार जैनी है। जे गल करिए पिछले टाइम दे विच किसानी अंदोलन की, उहदा मसला भी ये बहुत जल्दी हल हो जाना सी, इहदे बेतुके और इहदा अपने मूँह पर मूँह ते कंट्रोल ही है नहीं, इन्हें पुट्टे सिद्धे जवाब दे के किसानां दे विच भी इन्हें गड़बड़ करवाई। तो जिहड़ा इन्ना लंबा समा चलिया ये जिहड़ा हरजीत गरेवाल ते सुरजीत जैनी करके ही जिहड़ा इन्ना टाइम जिहड़ा पिया, और 750 के करीब किसानां ने शहीदी पाई उत्थे, उन्हां 700 परिवारां दा भी ये जिम्मेवार सुरजीत जैनी सब तो पहला है। एक गल करदा फाजिलका दे विकास की, वेखो इहदा दौर हुण खत्म है, सारयां नूं पता है, जिहड़ा इहदा पीए ने रख्या है पिछले टाइम दे विच 5 साल पूरे फाजिलका दी इहदी अपनी पार्टी दे वर्कर, अपनी पार्टी की समुची फाजिलका दी लीडरशिप ने इहनूं पासे करन लई कहा, पर सुरजीत जैनी ने राकेश सहगल नहीं छड्डिया, इहने आपदी पिछले 5 सालां च हार बर्दाश्त कर ली पर इहनूं उहने नहीं छड्डिया। बाकी तुसीं फाजिलका वासी सारा ही जाणदे हो, इहदे कम्मां बारे भी जाणदे हो, इहदे करतूतां बारे भी जाणदे हो। जिहड़ा कि इल्जाम लगा रहा परमजीत शेरे दा, देखो कोई किसी नूं कोई चुक के नहीं लजांदा हुंदा, परमजीत शेरा हर वक्त फोन करके टाइम दिंदा रहा है, मेरे कोल आओ और गल्लां पार्टी प्रति करदा भी रहा। और उस रात जिहड़ी सरोपा पाण की गल कही गई है, कोई साडे वल्लों इहनूं धक्के दा सरोपा नहीं पाया गया सी, इहना इह करण गलोत्रा दे निवास स्थान ते जिहड़ा हैगा इह रात करीब 2:30 बजे दे करीब इह उत्थे पहुंचिया, मैं भी उत्थे मौजूद सी,
सारिया गलां जिन्हिया भी पार्टी दियां जो इन्हां दी गंदी पार्टी की राजनीति जिहड़ी गंदी चलण दी पैसे ना पैसे की खरीदो फरोख्त ना वोटां खरीदण दी उरे परे नशा शराब देण दी गल तक भी इहने कही। पर करण गलहोत्रा जी ने इहदियां गल्लां सुन के कोई इहदे ते यकीन नहीं किया और उन्हें इहनू वापस भेजता। जिहड़ा हुण इह राकेश सहगल इल्जाम लगा रहा है कि बिल्कुल ये झूठे और फाजिलका की जनता को सारा पता है ये कितना कुछ सच्चा है। जे गल करिए असी पिछले 5 साल ये नाल रह के सारे बीजेपी के वर्करा और समुचे फाजिलका पता है असी भी इन्हों के नाल रहे हैं। पर असी पूरे 5 साल परचिया का संताप बनाया है पर ये जिहड़ा दविंदर घवाया परचे जिन्ना वह दोष से परचे साढ़े ते कराउण दा उस तो ज़्यादा यदा सी क्योंकि इन्हें आपकी यारी दविंदर घवाए ना टाइम ना ही पा ली सी। इस बंदे ने विखावा कर ली एक सिर्फ कोर्ट के केस किया हुआ सी उस तो सिवाय ने कुछ नहीं किया कोई पैरवाई नहीं की सी कुछ भी नहीं इस बंदे ने किया। और जे गल करा मैं किन्ने को बीजेपी वर्करा ते परचे हुए ने इन्हें किसी की सार नहीं लई सगो जो कोई चल के जाता सी ते इहदे अगो मजाक ही हुंदा सी। साढ़े MC राधा स्वामी कलोनी दे विच ने चलाना जी ते झूठा परचा होया ते चलाना जी दी किन्नी कु इन्होंने सार लई। और पिछले MC इलैक्शन दे विच जे BJP फाजिलका तो हारी है ये राकेश सहगल और जैनी दे करके हारी है और इन्हें ही सारा षड्यंत्र रचिया सी और सारे ही BJP और फाजिलका के टोटल वासियों को पता है और टोटल फाजिलका ब्लाक को पता है भी इस तो बाद इन्हों का दौर खत्म है हुण इन्हों ते झाड़ू फिर चुकया है और लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि फाजिलका दे विच लोकल अपने बेटे नूं नरेंद्र पाल सवणे नूं फाजिलका दा MLA बना के उन्हों कामयाब करनगे। और जिहड़ियां एक राकेश सहगल कुछ दिनों तो साढ़े मेरे बहुत ही करीबी सरपंचा मैं तुहानू एक रिकॉर्डिंग इहदी तुहाडे नाल सांझी करांगा बाकी बहुत सारिया रिकॉर्डिंगां ने वो मैं थोड़े टाइम तो बाद फिर अगली वीडियो दे विच तुहाडे सारे दे पेश करांगा जिन्नी भी इहदी वार्तालाप हो रही है जां इह साढ़े जुझारू वर्करां नूं जां साढ़े सरपंचा नूं ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਭੈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਡਰੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੱਟ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ED ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10-10 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਕਵਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਵਾਇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਣਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।